हेलो एवरीवन, हेलो स्टैंडर्ड टू। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14। जो हमारा स्टोरी थी वो इनकम्प्लीट थी उसको। तो हमने लास्ट सेशंस में देखा था कि चूहा है वो सितारे वाले दुकान की तरह और जाता है और कहता है कि मुझे सितारे चाहिए। तो दुकानदार ने देखो क्या कहा, अरे चल यहाँ से, तू यहाँ क्या करने आया है? चूहे ने कहा, मैं अपनी टोपी के लिए सुनहरे और रूप पहले सितारे खरीदने आया हूँ। दुकानदार ने कहा, भाग यहाँ से, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश न कर, एक चूहे को सितारों से क्या मतलब? तुम मुझे सितारे बेचोगे या नहीं? चूहे ने गुस्से से पूछा। देखो ये दुकानदार भी चूहे को कहता है कि क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो, तेरा और सितारों से क्या लेना देना है? तो चूहा उस पर भी गुस्सा होया और कहा, तू मुझे सितारे बेचेगा कि नहीं? नहीं नहीं, मैं तुम्हारे सितारे नहीं बेचूंगा, दुकानदार ने कहा। तो दुकानदार ने तो मना कर दिया दर्जी और पहले दुकानदार की तरह, नहीं बेचूंगा। फिर चूहे ने वो गाना गाया, रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे सारे सितारे बिखराऊंगा। तो चूहा यहाँ देखो क्या कहेगा कि मैं सारी अपनी सेना चूहे दूसरे चूहे लेकर आऊंगा और तेरी ये सारी सितारे की दुकान को बिखरा दूंगा। उसको भी डर आया। तो अब देखो दुकानदार ने कहा, चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं तुम्हारी टोपी के लिए रंग बिरंगी सितारे दे दूंगा और यही नहीं, उन्हें तुम्हारी टोपी में टाक भी दूंगा। तो दुकानदार भी डर के मारे चूहे की बात मान लेता है और कहता है कि नहीं ऐसा मत करना मेरे साथ, मैं तुझे सितारे भी दूंगा, सितारे तो क्या टोपी में टाक भी दूंगा वो सितारे देखो। अच्छा तो जरा जल्दी करो, चूहे ने कहा। तो चूहा कहता है कि चल अब फटाफट करने लगे। टोपी बनकर तैयार हो गई। चूहा टोपी पहनकर आईने के सामने खड़ा हुआ तो खुशी से उसका मन नाच उठा। वह सोचने लगा, मैं भी किसी राजा से कम नहीं हूं, मैं अपनी सुंदर टोपी किसे दिखाऊं? चलो अपनी चमकीली टोपी राजा को ही दिखाता हूं। तो वो टोपी पहनकर तो चूहा बहुत खुश हो गया और मनी मन क्या सोचता है, ये टोपी मुझे किसको दिखानी चाहिए, मैं कोई राजा से तो कम नहीं लगता। तो डिसाइड कर लिया कि मैं राजा के पास जाऊंगा टोपी दिखवाने। एक घंटे के अंदर ही नटखट चूहा राजमहल में राजा के पास जा आ पहुंचा। देखो अब ये चूहा कोई राजा के पास गया राजमहल में। वह राजा के सामने खड़ा हुआ। राजा अचानक चूहे को देखकर बहुत हैरान हुआ। उसने पूछा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो ये राजा है उस चूहे को पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, उसको देखकर वो हैरान हो गए। चूहे ने कहा, महाराज पहले यह बताइए कि मैं इस टोपी में कैसा लग रहा हूँ? तो चूहा है वो इस राजा को पूछता है कि महाराज मुझे पहले बताइए कि मैं इस टोपी में कैसा लग रहा हूँ? राजा ने जवाब दिया, वाह तुम तो एकदम राजकुमार लग रहे हो। देखो तो राजा क्या कहता है इस चूहे को कहता है कि तुम किसी प्रिंस यानी कि कोई राजकुमार से कम नहीं हो, ऐसे लग रहे हो, इस चूहे को कहते हैं। चूहा झटपट बोला, अच्छा तो फिर उतरो गद्दी से, यहाँ मैं बैठूंगा। देखो ये चूहे ने क्या किया, क्या कहा, जैसे ही राजा ने इस चूहे की तारीफ की तो चूहे ने इस राजा को क्या कह दिया, उतरो गद्दी से, मुझे बैठना है यदि मैं राजकुमार जैसा दिखता हूँ तो। देखो आगे राजा को हंसी आ गई। उसने कहा, भाग यहाँ से, मेरा सिंहासन चूहों के लिए नहीं, केवल एक राजा ही इस पर बैठ सकता है। तो देखो राजा भी कहता है कि भाग, तू चूहा है, मेरा सिंहासन तो दूसरे किसी राजा के लिए, तेरे जैसे चूहे के लिए नहीं। चूहे ने पूछा, तो क्या तुम मुझे अपनी गद्दी नहीं दोगे? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अपना सिंहासन नहीं दूंगा, राजा ने उत्तर दिया। तो राजा कहता है चूहे को कि मैं तुझे अपना बिल्कुल सिंहासन देने वाला तो नहीं हूँ, तू निकल जाए यहाँ से। तो तुम नहीं उतरोगे? चूहे ने फिर से पूछा। देखो चूहा देखो, तो उस राजा को कहता है कि क्या तुम फाइनल है कि तुम इस गद्दी से नहीं उतरोगे? नहीं नहीं, राजा अपनी बात पर अड़ा रहा। राजा ने आदेश दिया, पकड़ लो इस चूहे को। सिपाही चूहे
को तो राजा तो अपनी बात पर बिल्कुल अड़ा था कि मैं तुझे अपना सिंहासन देने वालों में से नहीं हूँ। वो अपने राजा अपने सिपाहियों को आदेश देता है कि इस चूहे को पकड़ लो। तो देखो इस पिक्चर में सारे सिपाही इस चूहे को देखो पकड़ते हैं। देखो चूहा सरपट उनके बीच से निकल गया और सिपाही एक के ऊपर एक गिर पड़े। देखो साके कोई सिपाही इस चूहे को पकड़ नहीं पाए बल्कि ये सिपाही अपने ऊपर एक के ऊपर पड़ने लगे। देखो अब चूहे ने अपनी कमर पर हाथ रखकर कहा, रात रात में आऊंगा, रातों रात में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। देखो तो ये चूहा क्या कहता है, वहां भी वो गाना गाता है और इसको क्या डराता है कि तेरे कान कुतरूंगा, यानी कि तेरे कान कुतर जाऊंगा अपने दूसरे चूहों को लगा। राजा ने सोचा चूही की फौज तो पूरे महल को तहस नहस कर देगी। वह डर से कांपने लगा। तो राजा भी अब डर गया कि ये चूहे की फौज आई तो पता नहीं राजमहल की तबाही हो जाएगी। चूहे ने फिर से कहा, रात रात में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। तो चूहा तो गा वो गाना फिर से बोला कि राजमहल में आऊंगा और तेरे कान कुतरूंगा और राजमहल की सारी तबाही कर दूंगा। राजा डर से कांपने लगा। कांपती आवाज में उसने कहा, चूहे भैया तुम बेकार में नाराज हो रहे हो, मैं अपनी गद्दी से अभी उतरता हूँ और तुम शौक से जितनी देर चाहो इस पर बैठ सकते हो। देखो ये राजा है वो डर गया और इस चूहे को क्या कहता है, चूहे ने जो गाना गाया जो तो उससे तो राजा भी डर गया और चूहे को कहता है कि तुम तो वैसे ही नाराज हो गए मेरे से चूहे भैया। ये राजा कहता है इस चूहे को कि तू तो बेकार ही नाराज हो गए, मैं अभी उतर जाता हूँ अपनी गद्दी से, तुम मेरी गद्दी पर जितनी देर चाहो इतनी देर तुम मेरी गद्दी पर बैठ सकते हो। चूहा बहुत खुश हुआ। देखो ये सुनते ही चूहा तो खुश हो गया, शान से वह सिंहासन पर बैठ गया और काफी देर तक वहां आराम करता रहा। देखो तो ये चूहा है वो इस राजा की गद्दी पर बैठ जाता है, ऐसे शान से राजा के सिंहासन पर बैठता है और घंटों तक वहां राजा के सिंहासन पर आराम फरमाता है, आराम करता है। रात जब काफी बीत गई वह गद्दी से कूद कर नीचे आया और खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। और देखो उसने पूरा दिन वहाँ राजमहल में आराम किया ऐसे, और जैसे ही रात हो चुकी वह गद्दी से उतर गया और अपने घर है वो वापस चला गया। उसने शान से अपनी चमकीली टोपी अपने सभी साथियों को दिखाई, सभी दोस्त उसकी कहानी सुनना चाहते थे। तो देखो ये नटखट चूहा फिर से अपने घर पर आ जाता है, अपनी चमकीली जो टोपी दुकानदार से कैसे बनवाई, दर्जी से कैसे झगड़ा, फिर उसके अलावा इस राजा के राजमहल में जो जिस तरह रहा, उसकी ये शहर कैसे घूमा, तो देखो ये अपनी सारी कहानी इन अपने सभी साथियों यानी कि ये दूसरे चूहों को बताता है। तो ये थी हमारी कहानी नटखट चूहा। कितना नटखट था वो तो आपने इस कहानी में देख ही लिया। तो यहाँ हमारी इस कहानी का एक्सप्लेनेशन तो कंप्लीट होता है, लेकिन अब हम पढ़ेंगे उसकी एक्सरसाइज। देखो यहाँ है हमारी यहाँ एक्सरसाइज का, दर्जी चूहे के किस बात से डर गया। चूहे ने क्या कहा था कि मैं तेरे सारी दुकान के कपड़े कुतर जाऊंगा। चूहा टोपी क्यों पहनना चाहता था, क्योंकि चूहे को चमकीली टोपी पहनना अच्छी लगती थी। चूहा टोपी पर सितारे क्यों लगवाना चाहता था, तो हमें पता है कि जो टोपी दर्जी ने बनाई थी वो टोपी उसको बहुत ही सिंपल लगी, इसीलिए वो उसमें सितारे डलवाना चाहता था। दर्जी ने चूहे की टोपी सिलने से क्यों मना कर दिया, दर्जी ने चूहे की टोपी को सिलने से इसलिए मना कर दिया कि दर्जी ने क्या कहा था कि मेरे पास चूहों के टोपी सिलने के टाइम नहीं है, ऐसा कहकर उसने इस चूहे की टोपी सिलने को मना कर दिया।
तो ये हुए हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज कहानी के चार क्वेश्चन। तो आज के सेशंस के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशंस में मिलेंगे, तब हम इस चैप्टर की जो दूसरी और आगे की एक्सरसाइज है उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को इस चैप्टर को रीड और लर्न करना है और याद रखना है। तो तब तक के लिए सभी को गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल।